दोस्तों वैसे तो कोई जगह हकीकी जन्नत जैसी नहीं हो सकती, मगर फिर भी दुनिया में जिस जगह को जमीन पर जन्नत कहा जाता है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया में या तो अपनी खूबसूरत वादियों की वजह से जाना जाता है या फिर अपनी स्विस चॉकलेट्स की वजह से। वैसे हम पाकिस्तानी लोग तो स्विट्जरलैंड को इस वजह से ज्यादा जानते हैं क्योंकि हमारे मुल्क को जिसने भी लूटा है इसने पैसा रखने के लिए स्विट्जरलैंड के बैंकों का इंतखाब किया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका झंडा चकोर यानी कि स्क्वायर शेप में है। आपको ये जानकर एक शदीद झटका लगेगा कि स्विट्जरलैंड में हुकूमत से इजाजत लेकर खुदकुशी करना जायज है। दुनिया स्विट्जरलैंड को इसकी खूबसूरती की वजह से जानती है, मगर ये नहीं जानती कि अपने मुल्क की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए स्विट्जरलैंड ने जंगे अजीम दोम में ना तो किसी का साथ दिया और ना ही जंग में हिस्सा लिया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जंगे अजीम दोम में जो कि न्यूट्रल रहा। स्विट्जरलैंड ने साइंस में भी बहुत तरक्की की है और टॉक शो की आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ जबरदस्त हकीकत बताने जा रहे हैं। अगर आपको टॉक शो की ये फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पूरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और इसके साथ मौजूद घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों स्विट्जरलैंड का ऑफिशियल नेम स्विस कॉन्फेडरेशन है और ये 26 छोटी छोटी रियासतों का एक मजमुआ है। 16वीं सदी तक इसका नाम स्विट्जर था और इसी से आज का नाम स्विट्जरलैंड निकला है जिसका मतलब है लैंड ऑफ स्विस यानी कि स्विस लोगों की जमीन। तारीख में स्विट्जरलैंड का जिक्र 1.5 लाख साल पहले भी मिलता है। यहाँ पर सबसे पुराने खेती बाड़ी के आसार 5300 कबले मसीह के भी मिले हैं। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसको हर तरफ से मुख्तलिफ ममालिक ने घेर रखा है और ये कहीं भी किसी समंदर से नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 2, 2019 के अदादो शुमार के मुताबिक स्विट्जरलैंड की कुल आबादी 85 लाख है जबकि 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड का सालाना GDP 585 बिलियन डॉलर है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 93,50,000 करोड़ रुपए बनते हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों का पर कैपिटा इनकम $86,670 है यानी कि इन लोगों की औसतन सालाना इनकम पाकिस्तानी 1,36,00,000 रुपए के लगभग है। स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल करेंसी स्विस फ्रैंक है जो कि आज 2021 में एक स्विस फ्रैंक पाकिस्तानी 170 रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 3, स्विट्जरलैंड को ये एजाज भी जाता है कि दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर जेलें खाली पड़ी हैं और गवर्नमेंट की कोशिश है कि दूसरे मुमालिक को कैदी रखने के लिए अपनी जेलें रेंट पर दी जाएं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जिस पर आप 150 मुमालिक बगैर वीजा लिए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से मुल्क का है? कमेंट में आगा जरूर करें। स्विट्जरलैंड की एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर 20.4% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 64% जर्मन, 6.5% लोग इटालियन बोलते हैं जबकि तकरीबन 1% लोग रोमैनिश भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों स्विट्जरलैंड को दुनिया भर में अपनी हाई क्वालिटी चॉकलेट की वजह से जाना जाता है। यहाँ के लोग ना सिर्फ चॉकलेट बनाना पसंद करते हैं बल्कि खाने में भी सबसे आगे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर स्विस आदमी सालाना 10 किलोग्राम चॉकलेट खा जाता है। स्विट्जरलैंड के ही रिहायशी डेनियल पीटर को ये एजाज भी जाता है कि इसने दुनिया की पहली दूध से बनी हुई चॉकलेट 1875 में बनाई। इसकी ये कंपनी अब नेस्ले की मलकियत है। स्विट्जरलैंड की चॉकलेट इंडस्ट्री 4,500 लोगों को रोजगार दे रही है और इसका सालाना टर्नओवर 1.8 बिलियन स्विस फ्रैंक्स है। सबसे मजे की बात यह है कि 19वीं सदी के आगाज तक चॉकलेट सिर्फ एक दवा के तौर पर इस्तेमाल होती थी और सिर्फ मेडिकल स्टोर से मिलती थी। आज दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट भी स्विट्जरलैंड में ही मिलती है जहाँ इस चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा 640 स्विस फ्रैंक यानी कि पाकिस्तानी 1,08,000 रुपए का है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों दुनिया में औसत उम्र के लिहाज से भी स्विट्जरलैंड वाले बाकी यूरोप से आगे हैं। यहाँ हवा बिल्कुल साफ है, लोग रोजमर्रा काम साइकिलों पर करते नजर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलते हैं जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। इस काम में इनसे आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही कौम है जो कि है जापानी। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में आपको एक जानवर अकेला पालना मना है, मतलब कि अगर बिल्ली पालनी है तो बिल्ला भी पालना होगा। ये लोग मानते हैं कि अकेला जानवर उदास हो जाता है इसलिए जानवर अकेला पालना सख्ती से मना है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों फैक्ट नंबर 6 पे जाने से पहले अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो इसे अभी एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। स्विट्जरलैंड में संडे का दिन बहुत संजीदगी से लिया जाता है। ये लोग 6 दिन टिका कर काम करते हैं मगर संडे को मस्त आराम। यहाँ इतवार वाले दिन कोई भी ऐसा काम करना मना है जिससे शोर पैदा हो। अगर आप इतवार वाले दिन कोई भी मशीन चलाते पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे और यहाँ ये कानून पूरा हफ्ता रात 10 से सुबह 6 बजे तक भी लागू होता है। इसके अलावा यहाँ
अपने बच्चे का नाम रखते हुए भी आपको पहले गवर्नमेंट से इजाजत लेना पड़ती है कि हम ये नाम रख रहे हैं। अगर वो नाम आगे चलकर बच्चे की शख्सियत पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है तो गवर्नमेंट आपको वो नाम नहीं रखने देगी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों स्विट्जरलैंड 26 मुख्तलिफ रियासतों से मिलकर बनता है और इनमें हर रियासत का अपना कल्चर, सकाफत और अपने रस्म और रिवाज है। इनमें सबसे ज्यादा आबादी ज्यूरिच की है, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है, जबकि इसका कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत बर्न है। पूरे स्विट्जरलैंड में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत झीलें मिलेंगी। स्विट्जरलैंड में 208 ऐसे भी पहाड़ मौजूद है जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा है। यहाँ पर 7000 के करीब लेक्स यानी कि झीलें मौजूद हैं और इन सब झीलों में से लेक जेनिवा अपनी खूबसूरती की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। फैक्ट नंबर 8, स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका झंडा स्क्वायर यानी कि चकोर शेप में है। इस झंडे में लाल रंग इनके बड़ों की कुर्बानियों की निशानदेही करता है, जबकि इसमें मौजूद सफेद रंग अमन और सुकून का पैगाम है। झंडे के दरमियान में सफेद रंग का क्रॉस भी है जिसे स्विस क्रॉस कहते हैं। ये जाहिर करता है कि मुल्क का ऑफिशियल मजहब ईसाइयत है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपको ये जानकर एक करंट लगेगा कि स्विट्जरलैंड में करप्शन करना एक काबिले सजा जुर्म नहीं है। आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया भर से लोग करप्शन करके अपना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखते हैं, मगर स्विस बैंक ही क्यों, किसी और मुल्क के बैंक क्यों नहीं? चले आज आपको इसका भी जवाब देते हैं। स्विट्जरलैंड के ये बैंक अपनी प्राइवेसी की वजह से काबिले एतबार माने जाते हैं। आपने पैसा करप्शन करके बनाया है या सीधे तरीके से, आप इनके पास पैसा रखेंगे तो ये आपकी अमानत को संभाल कर रखेंगे, चाहे इन्हें क़यामत तक ही संभाल कर क्यों ना रखना पड़े। लेकिन अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट ये प्रूफ कर दे कि इस आदमी ने करप्शन करके सारा पैसा बनाया है और अब स्विस बैंक में रखा हुआ है, तो स्विस गवर्नमेंट यही कहती है कि करप्शन हमारे यहाँ काबिले सजा जुर्म नहीं है। हाँ, डकैती करना जुर्म है, लोगों को फ्रॉड करके लूटना जुर्म है, मगर करप्शन जुर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों ये लोग बहुत तेज है, इन्होंने अपने मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा डिजाइन किया है कि इनके यहाँ करप्शन हो ही नहीं सकती। ये फर्द वाहिद को कभी भी ज्यादा अख्तियारात नहीं देते। फैक्ट नंबर 10, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा तनख्वाह टीचर को मिलती है। यही वजह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में स्विट्जरलैंड सारी दुनिया से हमेशा आगे रहा है। जीन हेनरी डोनेंट स्विट्जरलैंड का ही एक बिजनेसमैन था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हकूक की तंजीम रेड क्रॉस बनाई। ये दुनिया का पहला इंसान था जिसे नोबेल प्राइज मिला। दुनिया की सबसे पहली रिस्ट वॉच यानी कि कलाई पर पहनने वाली घड़ी भी स्विस कंपनी पैटेक फिलिप ने बनाई। आज भी दुनिया की सबसे शानदार घड़ियां स्विस कंपनियां ही बना रही हैं, जिनमें शामिल हैं टिसॉर्ट, टैग हेगोर, रोलेक्स और पैटेक फिलिप। दुनिया की सबसे पहली वाटरप्रूफ घड़ी भी स्विस कंपनी रोलेक्स ने ही बनाई थी। फैक्ट नंबर 11, स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक अगर किसी बिल्डिंग में 8 से ज्यादा फ्लैट मौजूद हैं तो बिल्डिंग बनाने वाले को इमरजेंसी बंकर भी बनाना होगा। 85 लाख आबादी वाले इस मुल्क में टोटल 3 लाख से ज्यादा बंकर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर जंग होने की सूरत में स्विट्जरलैंड की पूरी आबादी इन अंडरग्राउंड बंकर्स में जाकर खुद को महफूज रख सकेगी। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मशीन भी स्विट्जरलैंड में ही है। हॉर्डन कोलाइडर नामी ये मशीन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने बनाई है। स्विस शहर जेनवा के करीब ये मशीन 27 किलोमीटर लंबी एक टनल की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी टनल भी स्विट्जरलैंड में ही आती है। गुथार टनल नामी दुनिया की सबसे लंबी टनल है जो कि 57 किलोमीटर लंबी है, जो कि खूबसूरत स्विस पहाड़ों के नीचे से गुजरती है। 17 साल में मुकम्मल होने वाली इस टनल पर $11 बिलियन यानी कि 1,76,000 करोड़ रुपए लागत आई है। दोस्तों स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत है बर्न। ये 1,44,000 की आबादी वाला खूबसूरत शहर है जिसकी खासियत यहाँ मौजूद पत्थर की बनी हुई सड़कें हैं। अगर आप शहर की सैर को निकलें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी हॉलीवुड मूवी के जबरदस्त सेट पर घूम रहे हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की सैर हो और ज्यूरिच का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 435,000 की आबादी के साथ ये स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का कल्चरल सेंटर भी। दोस्तों स्विट्जरलैंड और हमारे मुल्क में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं जानता हूँ आपको मेरी बात बहुत अजीब लगेगी, मगर इन लोगों ने सख्त कानून बनाकर अपने मुल्क को इतना साफ रखा हुआ है कि अकल देखकर दंग रह जाती है। दूसरी तरफ अगर आप झील सैफुल मलूक या किसी और मशहूर पहाड़ी मुकाम पर जाएं तो आपको यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ जाते हैं वो इस जगह की सफाई का ख्याल रखते ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉक शो की आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब से शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।